दोस्तों नमस्कार, हम हैं अभी प्रदीप मिश्रा जी की कथा में जो सिमरिया में हो रही है छिंदवाड़ा में। देखिए कितनी लाखों की संख्या में जनसंख्या, अगली कथा जब भी कहीं पर भी हो, इन पत्रों में ये जितने पत्र भरे पड़े हैं, इन पत्रों में तुम्हारा एक पत्र इन पत्रों में होना है। तुम्हारा पत्र इन पत्रों में मिलेगा तब हमको प्रसन्नता होगी कि हमारा पत्र हमने भेजा और गुरु जी के पास पहुंचा, बाबा ने हमको दिया। जैसे कक्षा ने हम आपका भाग्य नहीं बता सकते, हम आपका भाग्य नहीं लिख सकते, हम आपके भाग्य का वर्णन नहीं कर सकते, हम इतना जरूर कह सकते हैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो जनसंख्या है वो है अभी की तारीख में, ये जो देख रहे हैं आप सामने बड़े बड़े जो पंडाल बने हुए हैं, ये डोम है जो वाटर पानी होता है। तो एक दो तीन, ये तीन डोम है। इसके अलावा यहाँ पीछे एक डोम और, कम से कम आज यहाँ पे 7 से 8 लाख जनता इकट्ठी। और हम जो कथा श्रवण कर रहे हैं, हमें पंडाल में जगह नहीं मिली है तो हम यहाँ से कथा श्रवण कर रहे हैं। ये LCD में आप देख सकते हैं कि महाराज जी की कथा चल रही है, दिख रहा है वो, दिख रहा है थोड़े बोले नाथ दया उठा ले बात, हेलमेट देखो, हेलमेट उठा ले, कहीं बैठे खड़े होकर तो देखा दोस्तों आपने यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा भीड़ है और हम लोग देखो इस पानी में बैठे हुए थे, पूरा कीचड़ है और यहाँ बैठे हुए थे, जगह भी नहीं मिल पाई थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस वीडियो को देखा। बताओ।
एकदम मस्त दिख रहे हैं। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है तुम अपने पास में रखो, किसी को बताने की जरूरत नहीं। कोई पूछे तो भी मत बोलो, तो भी नहीं बोलना। पार्वती जी ने पूछा, बताओ पंडित जी, पुजारी जी, ब्राह्मण देव, मैं जी कहूंगी कि महादेव जी से। पुजारी जी ने बिना सोचे शिव के पास करते, शंकर जी के उपासक थे। दोस्तर चालू हुई थी, दोस्तर में देवर ने महादेव की फल के वृक्ष के नीचे बैठकर सुगंधा को ये बात कर रहे हैं कि दोस्तर में पार्वती मैया पार्वती मैया। यहाँ कितनी सारी माताएं बैठी हुई हैं।